नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो काल गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुंभ राशि का राशिफल अगस्त महीने का कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों का अगस्त का महीना करियर की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन, रोजगार, व्यवसाय, कर्जा, शत्रु बाधा संबंध, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए और संतान पक्ष संबंध में, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंध में, माता पिता कुटुंब परिवार के संबंध में, आर्थिक स्थिति संबंध में, मान सम्मान प्रतिष्ठा के संबंध में, जो कुंभ राशि वाले विदेश में रहते हैं या विदेश से जुड़े हुए रोजगार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये अगस्त का महीना। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, समझने के लिए यहाँ पर मैंने जन्म पत्रिका गोचर कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर 11 अंक लिखा हुआ है वो आपकी राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी बनते हैं शनि ग्रह, और शनि ग्रह का गोचर आपकी ही राशि में है, यानी कि शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री है, और साथ में यहाँ पर मास के अर्ध मास में यानी आधे महीने के बाद, यानी 16 तारीख के बाद 17 तारीख को जब सूर्य ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो सप्तम में सूर्य ग्रह भी आ जाएंगे और शनि और सूर्य का सप्तम योग बनेगा, आमने सामने की दृष्टि बनेगी। तो यहाँ 17 तारीख के बाद उससे पहले तो आपके लिए ठीक रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी मिलेगी, रोजगार व्यवसाय के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ा दिक्कतें आपको आएगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी, कलंक लगने का भी भय होगा, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ना कुछ कलेश आने की संभावना है, कुटुंब परिवार में भी कलेश आने की संभावना, स्वास्थ्य को लेकर भी हल्की चिंताएं रहती, मानसिक तनाव अधिक रहेगा आपको, तो ये आपके लिए योग ठीक नहीं बन रहा है। और साथ में मंगल ग्रह की पोजिशन भी 17 तारीख तक मंगल ग्रह सिंह राशि में रहेंगे, यानी सप्तम में रहेंगे, और 18 अगस्त को मंगल ग्रह आपके अष्टम भवन में आ जाएंगे, यानी जहाँ पर 6 अंक लिखा हुआ। तो ये मंगल ग्रह जो है मांगलिक कार्य करते हैं, भूमि प्रॉपर्टी के मालिक है, इनकी दृष्टि कुटुंब परिवार पर पड़ने से ये तनाव पैदा करेंगे, कुटुंब परिवार में धन संपदा आर्थिक स्थिति आपकी जो है थोड़ा गड़बड़ा जा सकती है, लेकिन अधिक परिश्रम करने के बाद आपको लाभ मिलेगा, आपको लाभ जो की स्थिति होगी वो अधिक मेहनत करना पड़ेगा, और जब अधिक मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके जो छठे भवन के मालिक हैं वो चंद्रमा है, और साथ में छठे भवन में ही शुक्र वक्री हो जाएंगे, पहले तक वो 6 तारीख तक वो सिंह राशि में रहेंगे और 6 तारीख के बाद 7 अगस्त को शुक्र ग्रह वक्री हो जाएंगे छठे भवन में, तो जो पैसा संपदा के ग्रह है शुक्र ग्रह वो भी छठे भाव में आ जाने से कहीं ना कहीं अधिक मेहनत आपने धन संपदा के लिए करनी पड़ेगी, वाणी पे कंट्रोल करेंगे और रक्त विकार की समस्याएं भी हो सकती है, क्योंकि मंगल ग्रह अष्टम में आकर के आपको रक्त विकार भी दे सकते हैं, क्रोध भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी चौथी दृष्टि आपके आय लाभ पर पड़ेगी और लाभ की स्थितियां तो सुधरेंगी जो अधिक मेहनत करने के बाद। तो और बुध ग्रह सिंह राशि में ही वक्री हो जाएंगे 24 अगस्त को, और उससे पहले भी वो सिंह राशि में ही रहेंगे, तो बुध ग्रह आपके बनते हैं पंचम भाव के मालिक बनते हैं और साथ में वो अष्टमेश बनते हैं, उनका भी सप्तम में रहना, तो यहाँ पर व्यापार संबंधी वाणी के द्वारा आप व्यापार बढ़िया चला सकते हैं, वाणी के द्वारा आपके परिवार के तनाव सॉल्व कर सकते हैं, वाणी के द्वारा रोजगार सही कर सकते हैं, लेकिन वाणी पे कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है, वाणी के द्वारा आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा संभल करके ही काम कर, पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ा चिड़चिड़ा आपका रहेगा विद्यार्थियों के लिए, और संतान पक्ष को लेकर के भी आपकी थोड़ा चिंताएं बढ़ेंगी। कुंभ राशि वालों के लिए मैं देखूं तो सिर्फ देवक गुरु बृहस्पति ही ऐसे हैं जो आपके लिए थोड़ा शुभ संकेत दे रहे हैं, क्योंकि देवक गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि व्यापार पर पड़ेगी, तो यहाँ जहाँ एक अंक लिखा वहाँ पर राहु भी हैं, देवक गुरु बृहस्पति भी हैं, पहले से गोचर कर रहे हैं, देवक गुरु बृहस्पति आपको ज्ञान के द्वारा आपके जो आपकी योग्यता है योग्यता के अनुसार आपको धन संपदा प्रतिष्ठा दिलाएंगे, मान सम्मान भी दिलाएंगे, लेकिन सूर्य के कारण से, शनि के कारण से, मंगल के कारण से, बुध के कारण से, शुक्र के कारण से, इनकी पोजीशन अच्छी न होने के कारण से कहीं ना कहीं संघर्ष दिखाता है और आपको अधिक संघर्ष करने पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये महीना बहुत अच्छा बीतेगा। तो यहाँ पर देवक गुरु बृहस्पति की
सप्तम दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी और नवम दृष्टि आपके लाभ भवन पर पड़ेगी। तो लाभ के अवसर आपको देवा गुरु बृहस्पति ज्ञान से आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार देंगे। कहीं ना कहीं अगर आप भी अपने मन के अंदर तनाव पैदा करने लगे या नेगेटिव सोच रखने लगे, पॉजिटिव न सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ये महीना आपका बहुत ही खराब जा सकता है। इसलिए आपने थोड़ा अच्छा सोचना, घर में आप रुद्राभिषेक कराएं। अगस्त के महीने अधिक मास भी है, श्रावण मास भी है और इस महीने भगवान शंकर की अधिक से अधिक उपासना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, रुद्र सूक्त का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे। लक्ष्मीनारायण भगवान के लिए मैंने दोनों के लिए बताया, रुद्र भगवान के रुद्र सूक्त का पाठ करें या शिव तांडव स्तोत्र का आप पाठ करें, स्त्री लक्ष्मी का वास बढ़ेगा और आपके धन घर में धन धान्य की वृद्धि के योग बनेंगे अगर आप मेहनत अधिक करेंगे। मंगल का दान अवश्य कराएं। मंगल के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें, शनिवार के दिन भगवान मंगल के ही दर्शन करें, पीपल के वृक्ष में जल दें, सूर्य भगवान को जल दें कि मान प्रतिष्ठा में जो भी कमी आएगी उसको दूर करें, मुझे मान प्रतिष्ठा मिले, और साथ में देवी की उपासना आप करते रहें। तीन चीज़ें तो आपको अवश्य करें, रुद्र सूक्त, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का आप पाठ करेंगे, ओम नमः भगवते वासुदेव का पाठ करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अधिक परिश्रम करें, अंत में आपके लिए अच्छा परिणाम आए यही व्यक्ति चाहता है। आपके लिए मैं बता दूं, मास प्रारंभ में चंद्रमा आपके राशि से 12वें भाव में, यहाँ मकर राशि रखी हुई है वहाँ पर रहेंगे। मैं आपको कुछ तारीखें बता दूं जिनमें अधिक तनाव आपको रहेगा, 1-2 तारीख, 7-8 तारीख, 14-15 तारीख, 18-19 तारीख और 28-29 तारीख, ये तारीखें आपके लिए थोड़ा तनावपूर्वक रहेंगे क्योंकि इस मास में 3 ग्रह वक्री रहेंगे, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और साथ में शनि ग्रह, और 2 ग्रह हमेशा ही वक्री रहता है, राहु और केतु, यानी कि 5 ग्रह वक्री हो गए हैं। इन कारणों से कुछ कारण ऐसे हैं आपके अच्छे भाव में 6, 8 और 12 भाव जो है अच्छे नहीं माने, सप्तम को भी इतना सूर्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, सामने शनि हो गए हैं, तो इस कारण से थोड़ा ये मास आपके लिए थोड़ा चिंताजनक रहेगा। उपाय जरूर करें, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।